मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के थ्रू आप 6000 का लोन यानी क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हो। अगर आपका ऑफर चल रहा है फ्लिपकार्ट में, अभी सब जानते हैं कि 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बिग बिलियन ऑफर चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि कुछ परचेज करना, आपके पास मनी नहीं है या फिर 2-3 दिन में भी नहीं हो पाएगा कैश ऑन डिलीवरी, तो आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड लेके 6000 का आप उससे परचेज कर सकते हो और उसका पेमेंट आप 1 मंथ बाद पेमेंट कर सकते हो। ये कैसे होगा मेरा वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब पे क्लिक करके और बेल आइकन को टिक कीजिए ताकि इस तरह के टेक्निकल एंड टिप्स एंड ट्रिक जब भी मैं लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप फ्लिपकार्ट से 6000 का लोन या फिर क्रेडिट कार्ड कैसे ले। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है फ्लिपकार्ट ऐप्स, जैसे मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ और ये ऑलरेडी मेरे लॉगिन है मेरे नाम पे, तो आपको लॉगिन करके रखना है। आई होप कि आपके पास भी लॉगिन होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइनिंग पे क्लिक करना है, जो ऊपर में जो अपर बटन जो दिख रहा है 3 लाइनिंग, ये लेफ्ट साइड में, वो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेंगे माई अकाउंट, तो आपको सिंपली माई अकाउंट में जाना है। तो माई अकाउंट में जाते ही कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, माई ऑर्डर, फ्लिपकार्ट पे लेटर, माई वॉलेट एंड कार्ड्स। तो यहाँ पे सिंपली आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर पे जाना है। तो ये ऑप्शन अगर आप में नहीं दिख रहा है तो वेट कीजिए, 2-3 दिन दिख जाएगा आपको। ये ऑप्शन दिखने के लिए कुछ वॉलेट में कुछ पैसा ऐड कीजिए और कुछ पैचेस कहते रहिए, वो जल्द से जल्द ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यही ऑप्शन है जो कि पे अभी करेंगे और पेमेंट जो है इसका, पेमेंट अभी करना है और पे बाद में करना है मुझे इसका पैसा। तो ये एक्टिवेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक्टिवेट पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, इंस्टेंट क्रेडिट अप टू 6000 और 50% डिस्काउंट भी होगा जब फर्स्ट टाइम आप इससे बिलिंग करते हो, और 30 सेकेंड के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे आपका आधार पैन होना चाहिए और आधार के जो लिंक है मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP भी जाएगा, वो OTP डालते ही आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करता हूँ। देखिए एक्टिवेट नाउ क्लिक करते ही यहाँ पे पैन आधार का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं यहाँ पे पैन नंबर आधार नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो कंटिन्यू के बाद का मैं प्रोसेस बताता हूँ क्या होता है पैन आधार डालने के बाद। तो मैं डाल चुका हूँ मैं पैन और आधार नंबर, OTP आने के बाद वेरीफाई करना है, तो उस पर कंटिन्यू करने के बाद OTP आया, OTP के बाद वेरीफाई करना है और यहाँ पे सबमिट, तो एड्रेस भी दिखा चुका है यहाँ पे। और देखिए एक्टिवेटिंग योर अकाउंट जिसमें टेक अप टू 30 सेकेंड्स, तो ये 30 सेकेंड के अंदर एक्टिवेट हो चुका है। देखिए यहाँ पे लेटर क्रेडिट लिमिट ऑफ 5500 यानी 5500 का दे चुका है मेरा, मतलब कि 6000 के अंदर, तो 5500 दिया। अगर हम 5500 से कुछ लेते हैं तो ये 1 मंथ बाद मुझे पेमेंट करने की ज़रूरत है, अभी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी ऑफर है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं, अब शॉपिंग कर सकते हैं हम। 5500 इसमें क्रेडिट हो चुका है फ्लिपकार्ट अकाउंट में, हम कुछ भी इससे ले सकते हैं 5500 के अंदर, यानी कि 5500 के अंदर। और जो भी मैं पेमेंट कुछ भी लेता हूँ तो इसका पेमेंट मुझे 1 मंथ बाद करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चूज पे लेटर चेकआउट, जब भी पेमेंट का ऑप्शन आता है तो पे लेटर के ऑप्शन पे जाना है, रिसीव योर ऑर्डर और सेटल योर ड्यूज बाय ड्यू डेट, ड्यू डेट एक आएगा उसके अंदर ही पेमेंट कर देना है, इससे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।